सो आज मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कि मैं हेयर कैसे ड्रॉ करती हूँ। इस पोर्ट्रेट में मैंने हेयर कैसे बनाए हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने हेयर बनाने के लिए स्टेडलर का 8B पेंसिल यूज़ किया है। पहले तो आप डार्क कॉर्नर्स, जो डार्क पार्ट्स हैं और लाइट पार्ट्स हैं, जो उसको ऑब्ज़र्व कर लें, फिर स्टार्ट करें। बाहर की तरफ कुछ स्ट्रोक्स ड्रॉ करें ताकि हेयर रियलिस्टिक लगे। फिर आप देख सकते हो जो एंड्स हैं, जो मैं लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ या फिर जो शेड्स दे रही हूँ, जो एंड्स हैं वो सॉफ्ट रखें ताकि बाद में ब्लेंडिंग में आसानी हो। बाहर की तरफ कुछ स्ट्रोक्स ड्रॉ करें। पूरा जो हेयर है उसको कुछ पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो। इससे आप उस पार्ट में अलग अलग करके अलग अलग पार्ट में आप शेडिंग कर सकते हो, उससे आसानी होगी। फिर जो नीचे का हिस्सा है हेयर में, सो वो डार्क होगा और धीरे धीरे ऊपर की तरफ आप लाइट करोगे उसको, उस पोर्शन को। हेयर में आप कोई फ्लैट शेड मत करिए और ब्लेंड भी पूरी तरह से मत करिए, वो रियलिस्टिक नहीं लगता। ऐसे स्ट्रोक दे दे कर ही आपको काम करना होगा। और बालों के बीच जो व्हाइट लाइंस आती है, सो आप उनको, उसके लिए आप जगह छोड़ सकते हो। व्हाइट पोर्शन छोड़ के आप शेडिंग कर सकते हो या फिर बाद में आप मोनोज़ीरो इरेजर भी यूज़ कर सकते हो। बट आई थिंक इससे ज़्यादा अच्छा होगा कि आप थोड़ा सा व्हाइट पोर्शन छोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो वैसा ही सेम प्रोसेस मैं यहाँ पे भी यूज़ कर रही हूँ। कुछ पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर लिया है और एक एक पार्ट्स को मैं इंडिविजुअली कर रही हूँ। सो कहाँ से किस डायरेक्शन से लाइट आ रही है, कौन से पोर्शन पे लाइट पड़ रही है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखकर फिर शेडिंग करनी है।